क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ही लोग अमीर और प्रसिद्ध क्यों होते हैं? उन्होंने सफल होने के लिए अलग तरीके से क्या किया? कई मशहूर लोगों ने अपनी सफलता का श्रेय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दिया है। उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उन्हें उस स्थान तक पहुंचाने में मदद की है जहां वे अभी हैं। आइए देखें कि इन बेहद सफल लोगों का क्या कहना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ओपरा विनफ्रे, जीवन में आपको वही मिलता है जो आपके पास मांगने का साहस है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो, आपके पास और अधिक होगा। यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सफलता की बात कर रहे हो, तो ओपरा को इग्नोर करना लगभग असंभव है। ओपरा ने इस बारे में लैरी किंग के साथ अपने एक इंटरव्यू में बात की कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उन्हें सफल होने में मदद की। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने फिल्म द कलर पर्पल में सोफी, जो उनका ड्रीम रोल था, उसे दिलाने में मदद की और उनके सफल करियर की नींव रखी। लेडी गागा, पॉजिटिव अफर्मेशंस अवचेतन मन को सफलता को आकर्षित करने और आपके जीवन को बेहतर बनाने का कारण बनती है। म्यूजिक मेरी जिंदगी है, प्रसिद्ध होना मेरे अंदर है, मैं नंबर वन हिट के साथ नंबर वन रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ, आप बार बार बोल रहे हैं और एक दिन ये सच हो जाता है। लेडी गागा ने अपने जीवन को बदलने के लिए विजुलाइजेशन, अफर्मेशन जैसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपने दिमाग को ये अफर्मेशंस दिए कि वो पहले से ही प्रसिद्ध हैं। ये एक मंत्र की तरह है। वो कहती हैं, आप इसे हर दिन अपने लिए दोहराते हैं और आप उस चीज में बदल जाते हैं। जिम कैरी, जहां तक मैं बता सकता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ यूनिवर्स से एक बार मांगने और उसे यह बताने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं, और फिर लेट गो कर दीजिए, ये आपके लिए काम करेगा। मैं एक बिलीवर हूं, मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूं। यूनिवर्स को आप आपकी इच्छा बता दीजिए, आपकी इच्छा तभी पूरी होगी जब आप बिलीव करेंगे कि आपके पास आपकी इच्छा ऑलरेडी आ चुकी है। कई सारे लोग अभी भी बैठते हुए सिर्फ सोचते रहते हैं कि कब मैनिफेस्टेशन मिलेगा, कब मैनिफेस्टेशन मिलेगा। ये गलत तरीका है। आप ये कभी नहीं पूछना कि आपको मैनिफेस्टेशन कब मिलेगा। आपको बस यही कहना है कि मैनिफेस्टेशन यही है और यही है। विल स्मिथ, मेरा मानना है कि मैं जो कुछ भी बनाना चाहता हूँ उसे बना सकता हूँ। हम वही हैं जो हम बनना चाहते हैं। कई अन्य लोगों से हटकर विल स्मिथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानकर, समझकर उपयोग करते हैं खुद के जीवन में, और हर इंटरव्यू में या हर इवेंट में वो इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो सफल हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके। उन्होंने बार बार कहा है कि सफलता सबके पास है, उन्हें बस इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। वो दोहराते हैं कि आपको बस ये तय करना है, ये तय करने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो, बाकी सब यूनिवर्स संभाल लेगा। आर्नोल्ड, मैं पूरे हॉलीवुड का नंबर वन स्टार बनने जा रहा हूँ। आप जो करते हैं, करना चाहते हैं, आपको एक विजन की ज़रूरत है, और फिर ऐसे एक्ट कीजिए कि ये पहले से ही सच था। आर्नोल्ड कहते हैं, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं विजुलाइज करता था वो हर चीज़ जो मैं ज़िंदगी में चाहता था। मेंटली मुझे इसके बारे में कभी कोई डाउट नहीं था। आपका मन वास्तव में इतना अविश्वसनीय है कि आप हर इच्छा आपके मन के द्वारा पूरी कर सकते हैं। मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। इससे पहले कि मैं अपना पहला मिस्टर यूनिवर्स खिताब जीतता, मैं टूर्नामेंट के चारों ओर घूमता रहता, जैसे कि ये खिताब ऑलरेडी मेरे पास है। इस खिताब को मैं पहले ही जीत चुका था। मैंने इसे अपने दिमाग में इतनी बार जीता था कि इसमें कोई शक नहीं था कि मैं इसे जीत लूँगा। फिर जब मैं फिल्मों में आया, वही बात, मैंने खुद को एक प्रसिद्ध अभिनेता और बड़ी कमाई करने की कल्पना की। मैं सफलता को महसूस कर सकता था, मुझे बस इतना पता था कि ये सब सच होगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ये प्रसिद्ध अभिनेता, प्रसिद्ध राइटर, प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, एक्टर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र कर रहे हैं उनकी सफलता में। आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बना सकते हैं। इसी बात पे इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों की इजाज़त चाहता हूँ। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।